हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मसालों का जादू। आज हम बनाएंगे वेज सिवैया उपमा या नमकीन सिवैया। वेज सिवैया उपमा बनाने के लिए हम लेंगे सिवैया। यहाँ मैंने एक कटोरी रोस्टेड सिवैया ली है। अगर आपके पास रोस्टेड सिवैया नहीं है तो आप कढ़ाई को गरम करके मीडियम फ्लेम पर सिवैया को 2 मिनट के लिए सेक लें। एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी कॉर्न, एक छोटी साइज़ की बारीक कटी हुई गाजर, थोड़ी सी मूंगफली के दाने, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 5-6 करी पत्ता, थोड़े से धनिया पत्ते, 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच राई, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वादानुसार। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें राई, लौंग, दालचीनी डाल देंगे। इसके तड़कने के बाद हम इसमें प्याज और मूंगफली के दाने डालकर इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें गाजर, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर इसको हिलाएंगे। और इसमें करी पत्ता डालकर हम इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हमारी गाजर भी अच्छे से पक जाए। 2-3 मिनट बाद हम इसमें कॉर्न और टमाटर डालकर इसे हिलाएंगे और हल्दी पाउडर डालकर हम इसे टमाटर के गलने तक पकाएंगे। कुछ टाइम बाद हमारा टमाटर गल गया है। अब हम इसमें सिवैया डालकर इसे 1 मिनट के लिए मसालों के साथ चलाएंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। हमें यहाँ पानी जितनी हमने सिवैया ली है उसका डबल डालना है। यहाँ मैंने एक कटोरी सिवैया ली थी तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा और नमक डालकर इसको चम्मच से अच्छी तरह से हिलाएंगे और ढककर इसे 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच में हम इसे 1-2 बार और चला देंगे ताकि यह नीचे चिपके नहीं। 3-4 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। हमारी सिवैया पक गई है लेकिन अभी भी हम इसमें थोड़ा सा पानी है तो हम इसे 2 मिनट के लिए और ढककर रख देंगे। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। 2 मिनट बाद इसका पानी भी सूख गया है, यह अच्छे से पक गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यह हमारी गर्मा गर्म वेज सिवैया उपमा बनकर तैयार है। आप भी एक बार इस तरह से वेज सिवैया उपमा बनाकर ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।